इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमसे, पहले आप लोग सॉल्व करिए। 3t² - 48, अगर यहाँ x लिखा होता, y लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, सॉल्व मतलब होता है जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। a से z तक यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, सबका कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन सेम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3t² - 48 = 0 दिया है, आप क्या करेंगे, जो माइनस का 48 है इक्वल टू के उधर भेजेंगे, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 48, प्लस लिखो चाहे ना लिखो, नंबर से पहले उसका साइन होता है, इसका साइन यहाँ प्लस छुपा हुआ है, ठीक। तो इधर बचा 3t², क्या बचा, 3t², ओके। हमें टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 3 इसके मल्टीप्लाई में, टी और 3 के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, 3 डिवाइड में चला जाएगा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, ओके समझ में आ रहा है ना। तो t² = 48/3, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, अगर काटना आता है तो काट दिए, 3 × 3 = 18, 3 × 6 = 18, t² = 16 आया, स्क्वायर मैथ में स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है, तो ये स्क्वायर रूट बन गया 16, तो टी का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट होता है ±4, तो टी की वैल्यू आ गई, एक प्लस का 4, एक माइनस 4, जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू निकलती है तो दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस में एक माइनस में, ओके।